Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SRCC GBO 2024 exam, because this video is all about 30 days study plan starting from 20th of Jan. अगर आप guys एक महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हो तो आपके सामने ये प्लान है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? 20th Jan से 25th तक आप कैसे रिविजन कर सकते हो. तो गाइज, एक टारगेट अगर आपको रखना है स्कोर का, तो आई वुड रिकमेंड कि 340 प्लस का टारगेट रखो. पेपर का डिफिकल्टी भी वेरी करता है हर साल, ठीक है? देख, एक मॉडरेट पेपर में 340 प्लस वुड बी वेरी गुड स्कोर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की वीडियो में स्टडी प्लान के अलावा हम बात करने वाले हैं कि टफ पेपर को कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, ठीक है? पेपर अगर बहुत टफ आ जाए लास्ट ईयर की तरह तो कैसे हैंडल करना है वो बात करेंगे. तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव बना रहा है. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइज, ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर लेना. सारे लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. ऐसा आरसीसी का भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेट्स, ठीक है? चलो गाइज, पहले हम देखते हैं लोग प्लान. ये प्लान है हम लोगों का, ठीक है? तो गाइज, 20 जैन से 25 जैन आपको क्या करना है, आपको कौन सा मैथमेटिक्स रिवाइज करनी है, ठीक है? LRDI में आपको डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन रिवाइज करना है. VRC में वर्बल एबिलिटी में आपको रिवाइज करना है सब्जेक्ट आर्गुमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पैराजम्बल्स. ये आपको रिविजन करना है इन 6 डेज में, ठीक है? तो गाइस देखो, आई गेस जो भी SRCC दे रहा है उसने कभी ना कभी कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी है, ठीक है? तो वो चीज़ है. तो आपको मतलब टाइम 1 महीने का है, 1 महीने में आप कैसे सारे टॉपिक्स करोगे वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो नो डाउट आपको 6 डेज ही मिलना है. बट 6 डेज में आप अर्थमेटिक कैसे रिवाइज कर सकते हो, हर एक टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, इन 6 डेज में वैसे करके. बाकी कोई और टॉपिक आपका वीक है अगर, तो उसको पहले पढ़ो तो अपने पढ़ लेंगे. मतलब ये 6 दिन में ऐसा हो जाना चाहिए. 28 जैन से 3rd फेब तक आपका एलजेब्रा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लॉगरिथम्स, APGP, फंक्शंस, लीनियर सिंपल इक्वेशन, सर्च इंडाइसेस, ग्राफ्स, मैक्स एंड ऑल, ठीक है? LRDI में आपका क्लॉक्स, कैलेंडर्स, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, ये होना चाहिए. एंड VRC में एरर स्पॉटिंग, idioms, सेंटेंस पैरेलिज्म, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट. तो बेसिकली इधर से ग्रामर का पार्ट है, ठीक है? तो गाइस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि SRCC एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप कोई भी टॉपिक छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 160 क्वेश्चंस आते हैं. इवन क्वांट्स के प्योर 40 क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि DI सेक्शन अलग है. तो वो लोग हर टॉपिक से क्वेश्चन देंगे आपको, इवन उन टॉपिक से भी देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? मैं बताऊंगा आपको भी आगे, ठीक है? फिर गाइस 4th फेब से 9th फेब क्या करना है आपको इन 6 डेज में, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री आपको रिवाइज करना है एक तरह से. LRDI में क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज बहुत नहीं होता बट स्टिल करना पड़ेगा क्योंकि आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? मेनली कोर्स ऑफ एक्शन हो गया आपका, एजम्पशन स्टेटमेंट, एजम्पशन हो गया, आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट्स हो गया, ये सब. नंबर सीरीज, लीनियर सर्कुलर एलिमेंट्स एंड पजल्स, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पजल्स, इसमें आपका रैंकिंग वगैरह भी आ जाएगा. VRC में गैस कलेक्टिव नाउन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ लेना. कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, बट आ सकता है, ठीक है? देन गैस 10th एंड 14th फेब तक क्या करना है आपको, पूरा नंबर सिस्टम करना है. नंबर सिस्टम के लास्ट ईयर ही 3-4 क्वेश्चन आए थे अच्छे लेवल के. एंड हायर मैथ्स भी करना. अब मैं हायर मैथ्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गाइस लास्ट ईयर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ गया था. इसके पहले आ गया था SM2 से क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है जो आपको शायद कैट में भी नहीं मिलता है, ठीक है? अब SM2 वगैरह होता बहुत ईजी है, बट अगेन कोई पढ़ेगा नहीं ना, तो आपको पढ़ना सब पड़ेगा. दैट इज वाई वेराइटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? LRDI में गाइस अब दो DI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. तो अब मैं आपको बोलूंगा कि जो DI के मेन मेन टॉपिक्स होते हैं लाइक लाइन चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, केसलेट्स, इनके 3-3, 4-4 सेट करके 20 सेट लगा लो, ठीक है? बाकी मॉक्स दोगे, मॉक्स एनालाइज होगा. काउंटिंग ऑफ फिगर्स, साइलोजिज्म अच्छे से कर लो, डेटा सफिशिएंसी कर लो, ठीक है? डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको हम लोग के यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे दो, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा. एंड मैट के बनाया था मैंने. VRC में गाइस ग्रामर की प्रैक्टिस, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स चाहो तो छोड़ देना बट कर लो, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? देन गाइस 15th से 25th के बीच PNC प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंस, सेट थ्योरी, और इसके अलावा और जो मिसलेनियस चीजें रह गई, ठीक है, वो सब. क्योंकि देखो मेनली 5 ब्रॉड चीजें होती हैं, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स. ये आपका अर्थमेटिक है, ये आपका एल्जेब्रा है, ये आपका ज्योमेट्री है, ये आपका नंबर्स है, ये मॉडर्न मैथ्स, ठीक है? और सेट थ्योरी 2 तरह का होता है, एक वेन डायग्राम वाला और एक मैथ्स वाला. यहाँ पे मैथ्स वाला सेट थ्योरी भी आता है, मतलब वो सब आपका रिलेशन फंक्शन वगैरह, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, सब सेट, इक्विवेलेंट सेट, ये सब. तो हर चीज पढ़नी पड़ेगी आपको. LRDI में गाइस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देख लेना, मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन देख लेना, नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब उस तरह का जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है CET में, और कुछ मिक्स प्रैक्टिस कर लेना.
वीआरसी में गाइस सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर प्रैक्टिस कर लेना, बाकी वोकैबुलरी रिवीजन। तो गाइस वीआरसी स्कोरिंग होता है ठीक है, बट वही है कि आप लोग पढ़ते कम हो वीआरसी को। वीआरसी में इडियम्स वगैरह रटे होने चाहिए, इडियम्स हो गया, वोकैब वगैरह हो गया, बिकॉज वोकैबुलरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉन कैट वीआरसी। वोकैब अगर आपको आता है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लोगे। वोकैब ये है कि हैबिट डालो गाइस, ये एक बहुत ही बेस्ट शेड्यूल होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, बस आपको वैरायटी पढ़नी है। अब गाइस देखो कुछ टिप्स दे रहा हूँ एसआरसीसी की। पहली बात तो ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि अर्थमेटिक अलजेब्रा कर ले, नंबर छोड़ दें। आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा तो आपकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की बहुत कम हो जाएगी। आप क्या कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पूरी तरह मत छोड़ो। आपको ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कुछ चीजें टफ लगती है उनको आप छोड़ दो, बहुत टफ क्वेश्चन लगते हैं, बट बेसिक करके जाओ ठीक है। बिकॉज बेसिक क्वेश्चन भी अगर आ गया तो आप कर लोगे। इस लास्ट ईयर बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, रूट्स पे, सम ऑफ रूट्स पे, वही चीज है। तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते। अब ऐसा मान लो कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ रहा है ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2019 में क्वेश्चन आया था, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दो कोऑर्डिनेट दिए थे। ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, और सबको स्लोप का फॉर्मूला पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपल से 5 सेकंड का क्वेश्चन, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दोगे तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए पूरा टॉपिक कोई नहीं छोड़ना है। उस टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है सब टॉपिक तो छोड़ दो। सेम फॉर एलआरडी एंड बीआरसी। अब गाइस देखो लास्ट ईयर पेपर बहुत ही टफ लेवल का था, 210 मार्क्स कट ऑफ था ठीक है। तो कट ऑफ में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है गाइस, मतलब यही चीज 2019 में 424 थी। अगर आप डिफरेंस देखो तो कितने ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 214 मार्क्स का डिफरेंस है कट ऑफ में ठीक है। कट ऑफ इतना इसलिए फ्लक्चुएट हुआ बिकॉज पेपर टफ आया गाइस। एसआरसीसी में होता क्या है ना कि जब पेपर टफ आता है तो बेसिकली वो लोग ये चेक नहीं करते आपका जनरली कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि आप कितने स्मार्ट हो क्वेश्चन छोड़ने में। ये रियलिटी है क्योंकि एट द एंड ये मैनेजमेंट एग्जाम है ना गाइस, आप कितने अच्छे मैनेजर हो, तो आप कितने कम टाइम में कितना एफिशिएंट हो। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो ध्यान से, लास्ट ईयर 160 क्वेश्चन आए थे, 160 आप आधे भी कर दो ना अगर 80, आप ये मान के चलते कि 80 क्वेश्चन करने हैं मुझे, 84 या 320 उससे भी कुछ कम होते, 230 तक आते हैं तब भी आपका आराम से कट ऑफ निकल जाता। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लोग देखते हैं कि 160 क्वेश्चन है और 2 घंटा है तो हम सोचते हैं कैसे होंगे, बट हम ये नहीं सोचते कि 160 क्वेश्चन करने किसको है। पेपर अगर टफ आएगा तो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करने, मतलब लास्ट ईयर जिस तरह कौन से पेपर आया था ना, 40 में से अगर आप 15-16 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो सही तो आप बहुत सही हो। और गैस उन लोगों के लिए टिप दे रहा हूँ जिनकी क्वांट्स बहुत वीक है ठीक है, जिनकी तो बहुत ही ज्यादा वीक है क्वांट्स, समझ में नहीं आती है, उनको मैं बोलूंगा कि बीआरसी एंड एलआर में फोकस ज्यादा करो, क्वांट्स से वैरायटी सारी करो, मतलब हर टॉपिक का इजी से पढ़ लो, बट एलआर बीआरसी आपको बचा सकती है। वहां पे एक ही स्ट्रेटेजी लगेगी, पेपर अगर बहुत टफ आया था तुरंत स्किप एंड रन, जो क्वेश्चन नहीं है टफ लग रहा छोड़ दो, क्योंकि देखो पेपर टफ होगा सबके लिए टफ होगा। और दूसरी बात गाइस रियलिटी यही है, काफी लोग काफी तरह का मिसगाइड हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं 20,000 बच्चे बैठते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 14,000 बच्चे बैठते हैं। रियलिटी यही कि हर साल चाहे जो हो जाए 3 से 4 हजार बच्चा ही देता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑफिशियल डेटा बोल रहा है। लास्ट ईयर भी 3,500 लोगों ने पेपर दिया था, 3,500, बट मैं देख रहा हूँ बहुत जगह 14,000 बच्चे बैठ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट से डरो मत। और दूसरी बात दो गाइस, नो डाउट एसआरसीसी काफी डिसेंट कॉलेज, मैं रिकमेंड करता हूँ कि टॉप 25 से अगर कॉल नहीं आ रही तो उससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। 5 लाख फीस में 14 लाख का पैकेज, आजकल के पैकेज को मत देखना, आजकल रिसेशन चल रहा है हर कॉलेज की हालत खराब है, बट इन जनरल 11-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा ठीक है। हम लोग स्टूडेंट वहाँ पे बात होती रहती है ठीक है, तो रियलिटी यही है। तो वैसे टॉप 25 में नहीं है ठीक है, बट स्टिल डिसेंट कॉलेज है ये ठीक है। तो इस चीज पे मेक श्योर करो कि अच्छे से प्रिपरेशन करो ठीक है, और सारी वैरायटी करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो गैस मैं ये बोल रहा था जो कट ऑफ कम जाता है ना उसका रीजन यही है मेनली कि देखो कोई कैट का टॉपर या स्नैप का टॉपर डेफिनेटली एसआरसीसी शायद नहीं लेगा। जैसे कैट में क्या होता है, जो कैट का 99.9% है वो स्नैप देगा बैकअप के लिए, बट आई डोंट थिंक कि वो एसआरसीसी देगा, और दे भी देगा ना तो लेगा नहीं एसआरसीसी। तो इस वजह से स्टूडेंट्स की क्वालिटी कोई बहुत टॉप की नहीं होती है, तो इसलिए चांसेस हो जाते हैं सिलेक्ट होने के। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप ये मत बिल्कुल सोचो कि सीट्स कम है, मेरा बहुत सारे पिंग आए कि 90 सीट से कैसे हो ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स कम है तो उसके अकॉर्डिंग सीट्स हैं ठीक है। तो इवन यहाँ पे फाइनल सेलेक्शन लेना ज्यादा इजी है कम्पेयर टू एसआईबीएम पुणे में, रियलिटी है क्योंकि वहां पे होगी 1 लाख बच्चा बैठता है और स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी ज्यादा होगी। तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हमारा टफ है हमारा नहीं हो पाएगा। अगर आप सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टेस्ट करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आपका होगा ठीक है। और दूसरी बात, काफी लोगों का कट ऑफ में भी कंफ्यूजन है। कट ऑफ गाइस 2023 का 210 मार्क्स ही था, 210 या 209, इसके पहले जो कट ऑफ था वो 310 के अराउंड था ठीक है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा
लास्ट 5 साल का कट ऑफ है, ठीक है। तो आपने अगर ढंग से पढ़ा है ना, सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप्स करें तो आप आराम से निकल जाओगे। बस यही ध्यान रखो कि कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, और 1 महीना इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट अगर कंटेंट क्यूरेटेड हो, क्योंकि 80% टाइम आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है कंटेंट ढूंढने में, क्या पढ़े। अगर आपको एग्जैक्टली दिया जाए ये पढ़ना है तो निकल सकते, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर बार की तरह हम लोग एक मिनी क्रैश कोर्स, एक क्रैश कोर्स कैसे लॉन्च करते हैं यहाँ पे, हम लोग काफी लोग मॉक्स के लिए भी इंक्वायर कर रहे थे, मॉक्स हम लोग के काफी रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। 6 मॉक्स हम लोग के 450 के हैं, तो आप मॉक्स ले सकते हो। बट गाइस, सबसे बेस्ट ऑप्शन है SRCC का क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है कि जो लोगों को लगता है कि वो कुछ 1 महीने का टाइम है, मॉक के साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाए, कुछ वीडियोज मिल जाए, कुछ लाइव क्लासेस मिल जाए, तो उनके लिए ऐसा कोर्स डिजाइन किया है कि एनी वन कैन अफोर्ड। मतलब 799 का कोर्स है, इसमें सब कुछ कवर्ड है। इसका प्राइस अगर आप 2 या 3 टाइम्स भी कर दो तब भी शायद कम हो। और आज ही मैंने इसका ओरिएंटेशन वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इस मॉक्स कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, साथ में आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स मिल रही है, क्वांट्स, एलआर, डीआईडीआ, सेम्स की, और वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं लास्ट 3 साल के, ठीक है, उस एक प्रॉपर मैनर में। बाकी मिनिमम 5 लाइव सेशन मिलेंगे, मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, सब मिलाकर 10 भी हो सकते हैं, बट 5 मिलेंगे ही। 5th फेब के बाद स्टार्ट होंगे, जहाँ पे कोई रिविजन टाइप का हो। और काफी लोग पेपर ढूंढते रहते हैं, तो 6 साल के पेपर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, कि आपको वहाँ पे सिक्वेंस मिलेगा। बाकी एडिशनल रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी 50, बोला गया है 50, बट DI और LR एंड क्वांट्स मिला के करीब 70 रिकॉर्डिंग्स हैं, तो वो आपको सब कवर करनी होगी, उसमें आपको एक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम कम है, एग्जाम, जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं और जो लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसको लेके भी काफ़ी लोग का निकला था, ठीक है। वैसे देखो 1 महीना कम टाइम है, बट ये कोर्स बेस्ट है। हम लोग का एक कंप्लीट कोर्स भी, दैट इज फॉर 3500, उसमें सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ कवर है, जीरो से एंड तक, बेसिक्स एडवांस। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसका पूरा दिन खाली है, आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो बेटर है वाला कोर्स देखो, बिकॉज वहां पे हमने एक एक चीज जीरो से पढ़ाई गई है। मतलब ये समझ लो 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आपके क्लास में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो गैस ये है, बाकी आप यहाँ पे जा सकते हो mockzone.in/SRCC में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का, वहां पे अपडेट्स आएंगे, तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल कोर्स है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको सीमैट सीयूडी भी देना है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अवर कंप्लीट कोर्स, क्योंकि सीमैट कम से कम 3 महीने बाद होगा और सब कुछ कवर्ड है इसमें। तो कॉम्बो पैक हम लोगों का ओनली 5500 का, ये कंप्लीट कोर्स है, इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स। यहाँ पे कम से कम 4000 से 5000 क्वेश्चन कवर्ड है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे एग्जाम से मॉक, सारे एग्जाम्स का GDP, एवरीथिंग, GK सेक्शन, इनोवेशन सेक्शन, सब कुछ कवर्ड, विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे कैसे बढ़ना है। और शेड्यूल टेस्ट आपको मिलना है, पूरा VRC का शेड्यूल टेस्ट मिलना, सब कुछ मिलना, ठीक है। कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि खाली SRCC का कंप्लीट कोर्स लेने से अच्छा है ये ले लें, डेफिनेटली ये वर्थ इट है, ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्स दे रहे हो, क्योंकि तो अलग से सीमैट कोर्स 4500, SRCC 3500, CUT 3500, बट कॉमो मिला के दिस इज ओनली फॉर 5500, क्योंकि सिलेबस इज सेम, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास हैं, बाकी CET मिला के 6500 का ये देख सकते हो आप। बाकी अलग अलग कोर्सेज की प्राइस है, आप इंक्वायर कर सकते हो व्हाट्सएप पे। SRCC बस ऐसा एग्जाम है जिसमें टाइम थोड़ा कम है, बाकी सारे एग्जाम में टाइम काफी है, ठीक है। ये अलग अलग कॉम्बो पैक्स हैं, आप कोई भी कॉम्बो पैक सब कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग के मॉक टेस्ट के प्लान्स हैं, इसको आप देख के व्हाट्सएप कर सकते हो। तो गैस चैनल को फॉलो करते रहना, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, बीच में थोड़ा स्लो हो गया था, स्नैप वगैरह का रिजल्ट आ गया था GDPI का, बट हम कल से लगातार वीडियोज बनाने वाले हैं, ठीक है, तो काफी फायदा होगा आप लोगों को। तो गाइस लग के बढ़ो, SRCC को भी सीरियसली लो, ठीक है, लाइटली कुछ भी मत दो गाइस, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मुझे SRCC की ये लगती है कि आपके ऊपर लोन नहीं रहेगा कोई, ठीक है, क्योंकि एक 20 लाख का लोन लेके 10-12 लाख के कॉलेज में जाना, उससे अच्छा बेटर यही है, ठीक है। और ये प्योर MBA PGDM कॉलेज है, ठीक है, काफ़ी जगह आपको कुछ और सुनने को मिलेगा, बट प्रॉपर यहाँ पे नॉर्मल कंपनीज वैसे ही आती हैं जैसे हर जगह आती हैं, गार्टनर, EY, अमेरिकन एक्सप्रेस, सब कुछ, ठीक है। ये रिव्यूज एंड रिजल्ट्स, ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। बाकी mockzone.in/SRCC, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।